आले बैत अतहार की शान में मेरे महबूब के चंद फरामीन समात फरमाइएगा। महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन साद इब्ने मुआज रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي يوما وقد انصرف من الخندق। सरकार हजरत साद इब्ने मुआज फरमाते हैं कि जब खंदक से वापस आ रहे थे उस दिन मेरे महबूब ने मुझे इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? फरमाया, या साद इन अल्लाह इत्तला अलल अर्द, अल्लाह ने पूरी रुए जमीन को देखा, पूरी रुए जमीन को झांका, इस पर तवज्जो फरमाई, फख्तारानी, और फिर उसमें से मिनहा मुझे चुना। पूरी रुए जमीन में से फख्तारानी मुझे चुना, व अली जन और अली को चुना, व फातिमाता और फातिमा को चुना, वल हसन वल हुसैन अलैहिम सलाम, फिर हसन व हुसैन को सुना, व आना नजीर व हाज़िहिल उम्मा, ऐ साद इब्ने मुआज मैं इस उम्मत का नजीर हूँ, व अलीयुन हादीहा और अली इस उम्मत का हादी है, और अली इस उम्मत का क्या है। नबी पाक ने फरमा दिया कि कायनात में सांस लेने वालों अगर हिदायत के मुतलाशी हो तो अपने नबी की जुबान से सुन लो कि मैं किसको हादी बना के छोड़ के जा रहा हूं। नक्शबंदियों के ताजदार हजरत मौलाना जामी आशिक़े मुस्तफा, आशिक़े रसूल, कुश्ता इश्क़े मुस्तफा, उन्होंने भी यही कहा था ना कि अली शाह मर्दा इमामन कबीरा के बाद नबी शुद बशीरन नजीरा, कि नबी के बाद हिदायत देने वाला, डराने वाला, कुछ खबरियां देने वाला मेरा नबी अली को छोड़ के गए। तो हबाबे गिरामी ये हदीसे पाक है। और दूसरा नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु कंजुल अम्माल के हवाला से है, अन अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا معشر ابن مطلب, कि हम जो बनी मुतलिब है यानी हजरत अब्दुल मुतलिब की जो औलाद है, सादत अहल जन्ना, हम जो जन्नत के अहल हैं, जो जन्नती हैं, जो जन्नत वाले हैं, उनके सरदार हम हैं। मेरे नबी पाक सरकार ने फरमाया कौन कौन? सरकार ने फरमाया आना व अली जुन व हमजा व जाफर वल हसन वल हुसैन वल महदी यो फी आखिर ज़मान। सरकार ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ जन्नतियों का सरदार, अली है जन्नतियों का सरदार, और जाफर तैयार है जन्नतियों का सरदार, हजरत अमीर हमजा है जन्नतियों का सरदार, हजरत इमाम हसन हुसैन है जन्नतियों का सरदार, और हजरत इमाम मोहम्मद महदी जो आखिरी जमाने में आएंगे वो हैं जन्नतियों का सरदार। अच्छा, ये बात क्यों बताई नबी पाक ने? मकसद क्यों है ये बताने का के होश से रहना, जन्नतियों के सरदार ये हैं। किनके? जन्नतियों के। भाई जन्नती बनना चाहते हो, ख्वाहिश है जन्नती बनने की, जन्नत में जाने की ख्वाहिश है, तो फिर सरदार कौन है? सरदार ये है। नबी ने फरमाया जो तुम्हारा सरदार हो उसके नारे लगाओ ना, सरदार कोई होर ते नारा किसे होर दा। ये क्या बात है? इसलिए हबाबे गिरामी होश और अकल का मकाम ये है कि जिनको नबी ने जन्नतियों का सरदार बनाया है अपनी वफादारी उनसे रखें। तो इसलिए मैं अपने दोस्त अहबाब से अक्सर ये अर्ज करता रहता हूं कि होश के नाखल ने मेरे नबी करीम सरकार ने फरमाया, ये नूरुल अबसार में, ज़खायरुल उकबा में अल्लामा मुहिब्बुद्दीन तबरी ने ये हदीस पाक हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद से रिवायत की। आप फरमाते हैं सुनो, अन इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फरमाते قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حب آل محمد يوما, आले मोहम्मद की मोहब्बत में गुजारा हुआ एक दिन। हदीसे पाक के तवज्जो कीजिए, आले मोहम्मद की मोहब्बत में गुजारा हुआ, ये कौन रिवायत कर रहा है? सहाबी रसूल।
कौन रिवायत कर रहा है? सहाबी रसूल रिवायत कर रहे हैं, इब्ने मसूद रिवायत कर रहे हैं कि आले मोहम्मद की मोहब्बत में गुजारा हुआ एक दिन खैरुम मिन इबादत सनतिन, एक साल की इबादत से बेहतर है। भाई लोग सोचते हैं कि भाई हम ये चिल्ला कर लें, ये अमल कर लें, ये वजीफा कर लें, इतने नफल पढ़ लें, इतनी आयात की तस्बीहात कर लें, फलां कर लें। मेरे नबी पाक ने फरमाया भाई वजीफों से भी तो कोई फासला ही तय करना चाहते हो ना, नवाफल से भी कुर्ब की मंजिलें तय करना चाहते हो ना, नवाफल से भी और वज़ाइफ से भी इबादत से भी दिल की रोशनी के ही ख्वाहिशमंद हो ना, तो फरमाए सारा साल नफली इबादत करो, सारा साल तस्बीहात करो, सारा साल वज़ाइफ करो। मैं तुम्हारा नबी तुम्हें एक दिन ही ना ऐसा बता दूं, कहां सारे साल के वज़ाइफ, कहां सारे साल के नवाफिल, कहां सारे साल के तस्बीहात और कहां एक दिन। या रसूलल्लाह बता दे, फरमाया हुब्बु आले मुहम्मदिन यौमन, एक दिन इनकी मोहब्बत में गुजार लेना अल्लाह की निगाह में तुम्हारे एक साल की इबादत से बड़ा बन जाएगा। किसकी निगाह में? अल्लाह की निगाह में। तो अहबाबे गिरामी छाला मारनी है चाहिए ना, निके निके कदम पर कुरब की तरफ, कामयाबी की तरफ, बुलंदी की तरफ, अजमत की तरफ बड़े बड़े कदम उठा के जाना चाहिए। जिस तरह अल्लाह ताला ने फरमाया वह सारे इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम, कि अल्लाह की मग़फ़रत की तरफ, अपने रब की तरफ जरा जल्दी जल्दी आओ। तो यार सुल्ला ये जल्दी जल्दी कैसे सफर तय होगा? तो फरमाया मैं तुम एक एक दिन साल का सफर ना मुका दे, एक एक दिन तो साल का सफर ना मुका दे। यार सुल्ला मुका दो, फरमाया इन्हां ना मुहब्बत करो, साल साल का एक एक दिन च बने। ये इतना बड़ा नुस्खा दिया मेरे नबी पाक सरकार ने, और हम हैं कि हम दस्तो गिरेवा हैं, और हम हैं कि हम फतवों में उलझे हुए हैं कि ये करने से ये हो जाएगा, ये करने से ये हो जाएगा। नबी पाक ने फरमाया इनसे मोहब्बत करने में एक एक दिन में तुम साल साल का सफर तय करो, रूहानी सफर। कौन सा सफर? अब किसी को रूहानियत चाहिए हो तो वो सफर करे ना, अगर किसी को रूहानियत ही ना चाहिए हो वो बेचारा ये कहे नहीं मैं तो तस्बीहां दे नाल साल का डेढ़ साल जी करना, मैं तो नफलां ते वजीफियां ना साल का पंजा साल ना जी करना। भाई ये सुस्ती और काहली तो उसको मुबारक, हम कहते भी हम तो गुनाहगार हैं, हम तो गाफिल हैं, हम तो सुस्त से लोग हैं, हमें तो कोई शॉर्टकट चाहिए। नबी पाक ने फरमाया शॉर्टकट तो फिर इनका इश्क है। ये जिनका नाम मैंने आपको बताया है, इसलिए हबाबे गिरामी हजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ये सारी बातें बताई हैं, कोई कमी नहीं छोड़ी मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल कितना बड़ा नाम, आप फरमाते अन अहमद बिन हम्बल काला रही तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर नौम, मैंने ख्वाब में रसूल पाक को देखा, आपने फरमाया फकाल या अहमद, नबी पाक ने फरमाया ओए अहमद हलकता फी कौल शाफी मोहम्मद इब्न इदरीस फी मिन अन हदीसी मिन हिफ्ज़ मिन उम्मती 40 हदीसन मिन सुन्ना, क्या तू मोहम्मद इदरीस शाफी जो है उसकी इस बात पर शक करता है जो उसने ये मेरा कौल लिखा है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जो उम्मती 40 मेरी हदीसें याद कर ले क्या होगा? कुन तो लहू शफीयन यौमल क़यामा, मैं मोहम्मद क़यामत वाले दिन उसकी शफाअत करूँगा। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस पे शक किया था इस हदीस पे कि ये शायद सही नहीं है, वो कहते हैं मुझे नबी पाक ख्वाब में आ गया, उनके फरमाया कि तू मोहम्मद बिन इदरीस शाफी जो है उसने ये हदीस लिखी तुझे शक है? फरमाया शक नहीं है, उसने सही हदीस लिखी है। और अगले अल्फाज मा अरफ्ता अन्ना फजाइल अहले बैत मिन सुन्ना, क्या तू ये नहीं जानता कि अहले बैत की फजीलत बयान करना यह मेरी सुन्नत है? ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये मेरी सुन्नत है।
اے احمد بن حنبل اہل بیت کے فضائل بیان کرنا یہ محمد کی سنت ہے، یہ تمہارے رسول کی سنت ہے۔ تو حباب گرامی یہ باتیں بھی تو ہمارے اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کی ہیں، اس لیے ان پر توجہ فرمائیں۔